हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले T20 मैच का। तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद जो है न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया का टूर करने वाला है, और यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलेगा कि 3 T20 मैचेज जो है वो खेले जाएंगे। तो इन T20 मैचों में जो है आपको पता है कि इंडिया का टीम जो है वो रिफॉर्म कर रहा है, और इसका वजह है कि विराट कोहली जो है वो आपको पता है कि वर्ल्ड कप से पहले ही कैप्टनसी छोड़ चुके थे, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो कैप्टनसी नहीं करेंगे। नए कैप्टन जो है इंडिया की तरफ से चूज़ कर लिए गए हैं, और रोहित शर्मा जो है वो लीड करेंगे, और T20 में वाइस कैप्टन के तौर पे जो है आपको KL राहुल देखने को मिलेंगे। तब यहाँ पे हम बात करते हैं कि दोनों टीमों का जो है परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। कि अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से हार गया रहा है, पाकिस्तान से हार गया रहा है, बाकी छोटी छोटी टीमों से जो है वो जीत गया रहा है। कॉन्फिडेंस इंडिया का जो है अभी देखोगे तो उस हिसाब से देखोगे तो आपको थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान से सहारा है, और अभी तक जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, फाइनल जो है वो खेलेंगे। फाइनल का रिजल्ट जो भी रहा, लेकिन न्यूजीलैंड का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा जो है वो बिल्ड हो रखा है, और इसका रीज़न भी है कि उन्होंने जिस तरह से जो है वो एक परफॉर्मेंस दिया है और फाइनल में जो है वो पहुँचे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पहुँचे हैं। और इन्होंने जो है वो दो बहुत बड़ी बड़ी टीमों को जो है वो हराया है, जिनमें से एक आप देखोगे इंडिया को आपको देखने मिलेगा लीग मैचेस में हराया, इसके अलावा सेमीफाइनल में जो है ये आपको देखने मिलेगा कि इंग्लैंड को हराए। तो दो बड़ी बड़ी टीमें हैं, और अगर आप इन टीमों को हराते हो तो कॉन्फिडेंस जो है आपको सबका हाई रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस मैच में जो है वो किस ग्राउंड पर होगा, किस तरह से रहेंगे, और क्या क्या जो है बदलाव होने वाले हैं, दोनों टीमों क्या क्या चेंजेस करके जो है वो लाई है, किसी प्लेयर को जो है वो रेस्ट दे रही है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो यहाँ पे ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको इस मैच रिगार्डिंग हर तरह का इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आप कॉल फ्री डिजाइन सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर जो है आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी इस मैच से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप देखोगे मैच डिटेल्स, तो ये जो है आपको फर्स्ट मैच होगा। टोटल जो है वो 3 T20 मैचेज है, बाकी टेस्ट है। इसके अलावा ये खेला जाएगा 17 नवंबर से जो है वो मैचेज स्टार्ट है, वेडनेसडे का टाइमिंग है, और टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 7:30 जो है PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से, जो कि एक अच्छा टाइम रहेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो वेडनेसडे का टाइम है, और सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में जो है वो खेला जाएगा। जयपुर के अगर हम स्टेडियम की बात करें तो IPL के हिसाब से आप देखोगे तो IPL के हिसाब से एक बैटिंग ग्राउंड पिच है। इसके अलावा अगर T20 इंटरनेशनल की मैचेज बात करते हैं तो T20 इंटरनेशनल मैचेज जो है यहाँ पे ज़्यादा खेला नहीं गया है, कोई भी मैचेज जो है अभी तक जो है वो खेला नहीं गया है जो कि ऑन रिकॉर्ड हो। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे देखोगे तो जो यहाँ के कंडीशन रहता है वो ड्राई कंडीशन रहता है, और ड्राई कंडीशन में आपको पता है कि ड्राई कंडीशन में स्विमर्स को थोड़ा सा मदद मिल सकता है, क्योंकि बॉल जो है गिरने के बाद रुक के आती है। इसके अलावा स्पिनर को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर यही देखा गया है कि यहाँ के पीछे जो है वो थोड़ा सा फ्लैट पाई जाती है, और जब फ्लैट पीछे रहता है तो रन जो है वो ज़्यादा बनते हैं, और ड्राई कंडीशन की वजह से जो है पीछे जो है काफ़ी मजबूत हो जाती है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, जहाँ पर आप देखोगे जैसे बॉल जो है वो बिल्कुल टेनिस बॉल जैसा जो है वो छटक के सीधे बल्ले पर आता है, और इसी वजह से रन जो है यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस दिन जो है वो मौसम में थोड़ा सा स्विंग रहता है, मौसम थोड़ा सा जो है वो अभी ऐसे भी देखोगे कि ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा कुहासा टाइप का रहेगा, और 7 बजे तक जो हो, अब 7-8 बजे तक देखोगे DU का जो है प्रॉब्लम थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। जब DU आएगा तो यहाँ पे चेसिंग करना मुश्किल हो जाएगा, और रन भी जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अभी तक हम बात करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो अभी तक जो है इंटरनेशनल मैचों का जो है वो कोई आंकड़ा नहीं है, तो डोमेस्टिक देख लेते हैं। डोमेस्टिक जो है 47 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से मिलने जो आप देखोगे IPL मैच जो यहाँ पे खेले गए हैं, जिनमें से 15 जो है फर्स्ट मैच जीता है और 32 जो है वो सेकेंड मैच जीता है। आप देखोगे कि जो ऑलमोस्ट आप देखोगे 33% से ज़्यादा कम मैचेज जो है वो आपको देखने मिलेगा कि फर्स्ट बैट जीता है, और 66% से ज़्यादा मैचेज जो है आपको सेकेंड बैट जो है वो जीता हुआ है। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप देखोगे कि 150 से नीचे 15 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में जो है 18 स्कोर है, और 170 से 90 के बीच में 8 स्कोर, और 190 से ऊपर 6 स्कोर है। तो आप 150 से ऊपर के स्कोर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो है ये ग्राउंड जो है काफ़ी बैटिंग को फेवर करता है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देखोगे कि ये जो है जयपुर में 26 डिग्री जो है मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, तो थोड़ा सा गर्मी जो है वो ज़रूर रहेगा, और बारिश के चांसेस जो है वो आपको देखने को बिल्कुल 5% है, यानी कि मैच आपको पूरा देखने को मिलेगा। टॉस जीतने की बात करते हैं, ज़्यादातर चांसेस यही है कि इंडिया जो है वो टॉस जीतेगा, टॉस जीत के जो है बॉलिंग करना यहाँ पर पसंद करेगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम न्यूज़ का, तो इंडिया की तरफ सब देखोगे तो रोहित शर्मा जो है ये लीड करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा बुमराह, विराट कोहली, मोहम्मद शमी के जो है जो कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड में थे, उनको
और रिस्क दे दिया गया है, साथ में वरुण चक्रवर्ती भी जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो चांसेस दिया गया है उनमें जो है ऋतुराज गायकवाड़ हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, हर्षल पटेल है और अवेश खान को जो है ये आईपीएल से चूज करके जो है वो चांसेस दिया गया। हालांकि आप देखोगे ऋतुराज गायकवाड़ को श्रीलंका के खिलाफ चांसेस जो है वो मिला था, लेकिन उन्हें जो है उतना अच्छी बैटिंग करने को नहीं मिला। और यहाँ पर आप देखोगे तो वेंकटेश अय्यर हैं, हर्षल पटेल हैं और अवेश खान को जो है ये चांसेस मिल रहा है। और ये हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में आप देखोगे कि केन विलियमसन जो है लीड करेंगे, डिवॉक कॉनवे जो है आपको पता है वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं रहेंगे तो वो भी जो है अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा टॉड एस्ले, मार्क चैपमैन, लकी फर्गसन जो है और स्क्वाड को ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। और इसके अलावा हम अगर प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं तो जो बेस्ट प्लेइंग इलेवन बनता है वो जो है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो यहाँ हम देखोगे कि सबसे पहले इंडिया के देते हैं तो रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, के आर राहुल, इसके अलावा जो है आपको ऋषभ पंत, यजवेंद्र चहल, अवेश खान या हर्षल पटेल, ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा। इसके अलावा भुवनेश्वर और दीपक चहर जो है आपको देखने को मिलेंगे प्लेइंग इलेवन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये आ रहा है कि आप देखोगे कि तुम जो मिडिल ऑर्डर होगा इंडिया का, मिडिल ऑर्डर में आप देखोगे जो कि एक बूस्टिंग होता है, फिनिशिंग वाला ऑर्डर होता है, वहाँ पे आपको सिर्फ ऋषभ पंत मिलेंगे। इसके अलावा जो है कोई भी जो है और ऐसा बैट्समैन जो है वो कैपेबल है तो वो है सिर्फ केएल राहुल। यानी कि ऐसा हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर और रोहित शर्मा जो है ये ओपन कर सकते हैं, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ या फिर रोहित शर्मा जो है ओपन करेंगे। वेंकटेश अय्यर का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि एक ऑलराउंडर है, अगर वेंकटेश अय्यर खेलते हैं तो इंडिया को एक दो ओवर जो है वो मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर चांसेस यही रहता है कि वेंकटेश अय्यर को ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि शायद फेवर किया जाए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी जो काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा ये तो ओपनिंग जोड़ी हो गई, केएल राहुल भी जो है ओपनिंग जोड़ी हो सकते हैं, केएल राहुल और रोहित शर्मा। लेकिन यही मैंने बताया कि आपको जो लास्ट में हिटिंग पावर होता है तो पांड्या नहीं है तो केवल पंत बच जाएंगे अकेले, तो इसलिए शायद केएल राहुल को जो है वो मिडिल में रख दिया जाए। और इसके अलावा जो है नंबर 3 पे आपको सूर्य कुमार यादव, 4 पे श्रेयस अय्यर, इसके अलावा जो आप देखोगे 5 पे तो आपको देखने मिलेगा कि 5 पे जो है आपको यहाँ पे अक्षर पटेल या फिर जो है आपको यहाँ पे ऋषभ पंत या केएल राहुल से देख सकते हो 5-6 नंबर पे। इसके अलावा चहल और बॉलिंग में जो है आपको जो बताया मैंने वो देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे की प्लेयर कौन कौन से हैं। तो आप रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, इनमें से देखोगे तो ये तीनों जो है वो हिट एंड ट्रायल वाले मेथड जो है वो रन करते हैं, यानी कि 2-3 मैचों में से 1-2 में जरूर चलेंगे तो आप इनको लेके चल सकते हो। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर अगर प्लेइंग इलेवन में रहते हैं या गायकवाड़ रहते हैं तो इनका परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूस जो है वो रहा है आईपीएल में, और आईपीएल में जो है वो यूएई में रहा है तो क्या पता इंडिया में परफॉर्मेंस करेंगे या नहीं, पर चांसेस लेके चल सकते हो। इसके अलावा अक्षर पटेल का जो है वो तो अगर पिच ड्राई रहा तो बेनिफिट जो है मिलेगा। केएल राहुल और ऋषभ पंत काफ़ी अच्छे फॉर्म है तो आप इनको पिक कर सकते हो। चहल को जो है वो ले सकते हो कि फ्लाइट गेंद करते हैं और कहीं भी जो है विकेट लेने में सक्षम रहते हैं। इसके अलावा अवेश खान हर्षल पटेल में से जो भी टीम में रहेगा आप उनको लेके चल सकते हो चांसेस। भुवनेश्वर और चहल में से जो है आप चहल को प्रीफर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ से, न्यूजीलैंड की तरफ से जो आपको देखने मिलेगा कि केन विलियमसन, इसके अलावा मार्टिन गप्टिल, जेमी नीशम, डार्सी मिशेल, मिशेल सेटनर, ग्लेन फिलिप, टीम शाइफर्ड, इसके अलावा जो है आपको ट्रेंट बोल्ट, लकी फर्गसन, काइल जेमिसन को एक ही होगा, डिपेंड करता है कि लकी फर्गसन जो है वो कितना फिट है। इसके अलावा ईश सोदी और टीम सोदी में से जो है आपको यहाँ पे चूज करना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे की प्लेयर का, विलियमसन, गुप्टिल, जेमी नीशम, डार्सी मिशेल, ग्लेन फिलिप, इन सबसे जो है परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देखने को मिला है, लेकिन इंडिया ग्राउंड पे चल पाएंगे कि नहीं और इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो अब विलियमसन को जो है वो पिक करके चले कि विलियमसन जो है वो स्पिन अच्छा खेलते हैं और इंडिया में ऐसा भी हो सकता है कि 3 स्पिनर लेके जो है उतर सकते हैं। इसके अलावा मार्टिन गुप्टिल जो है वो इंडिया में जो है ज़्यादा परफॉर्मेंस कर नहीं पाते तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, पिक करके भी चल सकते हो। इसके अलावा जेमी नीशम जो है वो आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तजुर्बा है तो आप आईपीएल से उनके परफॉर्मेंस को जो है वो आँख सकते हो तो उनको लेके चल सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो सेटनर को जो है अगर स्पिनर फील्डिंग ग्राउंड देते हो तो सेटनर को या ईश सोदी को पिक करके चल सकते हो। ईश सोदी को जो है वो वर्ल्ड कप के हर मैच में जो है वो विकेट मिला है तो आप ईश सोदी को पिक करके चल सकते हो। फर्गसन, काइल जेमिसन कोई रहता है तो इंडिया में परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहता है तो आप इनको पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट को पिक करके चल सकते हो। तो ये जो है आपको की प्लेयर यहाँ पे मैंने दोनों टीमों का बता दिया है। बात करते हैं हम यहाँ पे अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो रिसेंट परफॉर्मेंस में इंडिया कप देखोगे तो रिसेंट वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 मैचेस खेला है जिनमें से 3 जो है ये जीते हैं, 2 हारे हैं, ये सभी को पता है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड जो है वो रिसेंट 5 मैचों में से 5 के 5 जीता है, टोटल 6 मैचेस ये खेले हैं। जो पहला मैच पाकिस्तान से हार गए थे उसके बाद टोटल 5 मैचेस देखोगे तो 5 जो है वो एक सेमीफाइनल मिला के टोटल 5 के 5 जो है ये जीते हैं। और हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों टीम अभी तक 18 मैचेस खेली है जिनमें से 8 इंडिया जीता है, 9 न्यूजीलैंड जीता है और 1 जो है वो एबेंडन हो गया था बारिश के चलते। और अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम के, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको इस मैच से रिगार्डिंग हर तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है और साथ में जो है आप कॉल पर सर्च करके जो है यहाँ पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर जो है आपको सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे। अब चलो एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम कैसे बनाना है और फिर जो है आप करते हैं वीडियो को ख़त्म।
बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की, तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विकेट कीपर डिपार्टमेंट में कौन कौन सा जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। अब देखोगे ऋषभ पंत, टीम साइफर्ड और ईशान किशन जो है अवेलेबल है। ईशान किशन भी जो है वो प्लेइंग इलेवन में हो सकते हैं, जिसमें बताया कि हीटिंग पावर जो है वो इंडिया को चाहिए। तो यहाँ पे जो भी प्लेइंग इलेवन में रहेगा, लेकिन अभी तक ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ऋषभ पंत तो जरूर रहेंगे, तो हम लोग ऋषभ पंत को पिक करके चल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बैटिंग में, तो बैटिंग में जो है वो रोहित शर्मा को हम लोग पिक कर लेते हैं, राहुल को पिक कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लियम टॉम स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो क्लेनसन को जो है वो पिक करके चल सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन बचते हैं कि यहाँ पे गायकवाड़ बचते हैं अगर प्लेइंग इलेवन रहेंगे, तो सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, गुपटिल। तो मैं यहाँ पे जो है सूर्य कुमार यादव को जो है प्रीफर करूँगा, लेकिन पहले ऑलराउंडर देख लेता हूँ। ऑलराउंडर में जो है आप यहाँ पे देखोगे तो मैं अक्षर पटेल को जो है पिक करके चलूँगा, वेंकटेश अय्यर को जो है पिक करके चलूँगा, जिस तरह का ग्राउंड है। तो आप चाहो तो वेंकटेश अय्यर को ले सकते हो, तो आप अक्षर पटेल को हटा सकते हो, जिमी नीशम को पिक करके चल सकते हो। बॉलिंग की बात करते हैं, तो बॉलिंग में जो है यहाँ पर मैंने सबसे पहले ट्रेंट बोल्ट को जो है वो ले लिया है। अगर ट्रेंट बोल्ट को मैं ले रहा हूँ तो कोशिश ये करूँगा कि जो मैंने बैटिंग में लिया है इंडिया के दोनों ओपनर को लिया है, तो उसमें से एक को जो है मैं हटा सकता हूँ। खासकर अगर रोहित शर्मा की बात करें तो हटा सकते हैं। अगर ट्रेंट बोल्ट को हम लोग पिक कर रहे हैं, इसका मतलब जो है वो कोई ना कोई जो है हमें विकेट चाहिए, तो वो विकेट जो है वो रोहित शर्मा की हो सकती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर चहल को लेते हैं, फर्ग्यूसन को जो है वो पिक कर लेते हैं। इसके अलावा आप जब देखोगे तो यहाँ पर जो है आप बुमराह को पिक कर सकते हो, हर्षल, या फिर जो भी बुमराह तो है नहीं, चहर को जो है वो मैं पिक करके चल रहा हूँ। इसके अलावा हर्षल पटेल को या फिर जो है अवेश खान को पिक करके चल सकते हो। तो मैं यहाँ पे हर्षल पटेल को जो है पिक करके अभी के लिए चलूँगा, और यहाँ पे जो है मैं अभी के लिए जो है वो किसी एक को जो है हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप अगर ऑलराउंडर की बात करते हैं, बैटिंग की बात करते हैं, तो मैंने इंडिया से जो है 7 प्लेयर ले लिया है। तो आप चाहो तो इनमें से जो है किसी एक को कर सकते हो, जैसे मैं चहल को हटा के जो है आप यहाँ पे चाहो तो गुपटिल को, या फिर जो है आप डर्सी मिशेल को जो है पिक करके चल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन के तौर पे जो है मैं अगर वेंकटेश अय्यर रहेंगे तो मैं इनके साथ जाऊँगा, क्योंकि जो नए प्लेयर हैं इनके परफॉर्मेंस करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और खासकर अगर कोई ऐसा जो है वो कि जो कि आपको देखने में मिलेगी कि वो ऑलराउंडर हो, तो ज़्यादा चांसेस रहता है। तो मैं यहाँ पे जो है वाइस कैप्टन की तरफ जाता हूँ, कैप्टन की तरफ पे जो है वो राहुल के साथ जाता हूँ। और यहाँ पे आप टीम पे व्यू देख सकते हैं, ये टीम के साथ जो है अप टू 7 में आप खेल सकते हो। इसके लिए आपको और भी टीमें जो है वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आपको और भी टीमें चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जिसका नंबर जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।